ठीक है ठीक है। सब बढ़िया है? यस सर। कैसा लग रहा है आज आपको? वाकई में बढ़िया लग रहा है। यस सर। क्योंकि मैं भी एक दिन सपना देखा था कि काश जैसे आज आप बैठे हो ना, मैं भी कुछ दिन पहले सेम आप ही की तरह मैं बैठा करता था और मैं भी सोचता था कि यार मेरा भी एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा ड्रीम बाइक लेकर मैं स्टेज पे आऊंगा और सपना मेरा आज पूरा हो गया। क्या आप भी करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? भाई करने के लिए लेकिन बहुत सारा चीजों को झेलना पड़ता है। क्या आप झेल सकते हो? वाकई में? क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए ना आपको आज हमारा कामयाबी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके पीछे हम कितना स्ट्रगल लाइफ जो झेले हैं ना वो आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा झलके में बताऊंगा कि वाकई में मैं जो यहाँ तक पहुँचा तो मैं कैसा पहुँचा, क्या पहुँचा। ठीक है? क्या तैयार हो जानने के लिए? दोस्त मेरा नाम है जीतू कुमार सारवा और मैं रहने वाला हूँ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़। और बात किया जाए और मैं आने से पहले ट्रक चलाता था, मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे, तो बचपन से मेरा सोच बड़ा था कि यार मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है। और मैं वहाँ बहुत मेहनत करता था, लेकिन वहाँ महीने का इनकम तो आता था लाखों का, लेकिन पैसे को एंजॉय करने के लिए ना मेरे पास समय नहीं होता था। मैं सोचता था कि यार ऐसा पैसा भी क्या काम का जो पैसे को मैं एंजॉय ना कर सकूं। तो सेम आज आपको भैया यहाँ पर ग्लेज में आने का आपको मौका मिला होगा। मुझे भी कुछ दिन पहले मेरे बचपन के दोस्त के माध्यम से इस बिजनेस में आने का मौका मिला। आने के बाद में मुझे यहाँ पर जो मैं देखा वो बहुत मुझे बहुत बढ़िया लगा। ऐसा ज़्यादा नहीं, तीन चार जो पॉइंट है मुझे बढ़िया लगा। सबसे पहला मैं देखा यहाँ पर, यहाँ था एक नॉमिनी सुविधा। क्या था? नॉमिनी। ये चीज मैं देखा यार, सोचा बाहर की दुनिया में मैं पैसा तो कमा रहा हूँ, लेकिन वहां पर पैसे कमाने के साथ में ना मेरा जो अगर कुछ भी हो जाता है तो जो मेरा फ्यूचर है, आने वाला जो मेरा पीढ़ी है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ तो आने वाला जो पीढ़ी रहेगा, जो भी मेरा पैसा रहेगा वो हर महीने का जाएगा, ये मुझे दिखा। उसके बाद में दूसरा मुझे यहाँ पर लगा, जैसे आज यहाँ पर मैं आया हूँ, सेम कुछ दिन पहले मैं भी आप ही की तरह बैठा था, कुछ सीनियर पर्सन आए थे, उनका मैं ड्रेस कोड देखा, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। और तीसरा था राम और बजाज। आपको ही पता होगा कि यहाँ पर आपको क्या बनना है, राम बनना है कि बजाज? टाटा। अभी क्या बोलते हैं? अभी आप अभी टाटा बोलते हैं। आपको बताया जाता है कि राम की टाटा क्या बोलते हैं। दोस्त मैं भी आया था और मेरा जो अपलाइन है ना, बोला जाता है जन्म देने वाला तो कोई और होता है और पास पाल पोस कर बड़ा करने वाला कोई और होता है। तो सेम मेरा जो अपलाइन था, बचपन का मेरा दोस्त था, लेकिन दोस्त मेरे साथ में ज्यादा दिन तक वो टिका नहीं रहा। मेरे साथ में सिर्फ एक महीना मेरे साथ में रहा और मेरे को छोड़कर चला गया। लेकिन भाई मुझे भरोसा था, मुझे अपने लाइफ में कुछ करना था, क्योंकि मैं देखा था गरीबी। मेरे मम्मी पापा को मेहनत करते हुए भैया 100 रुपये 120 रुपये ना एक दिन में कैसा पसीना बहा के ना मेहनत करके भैया घर को चलाते थे, ये चीजें मैं देखा था। और मैं भी भैया गरीबी से गुजरा हुआ था, मुझे सारा चीज का ना सब अनुभव मैं पहले लेकर बैठा, इसलिए मुझे लगा कि भले मुझे यहाँ समय लगेगा। और जब मैं इस बिजनेस में आया ना, मेरे मम्मी पापा को शुरुआत में भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनी मेरे गांव पे ना आकर ना बंद हो गए थे। मुझे बोला करते थे कि बेटा ऐसा कोई कंपनी नहीं होता है जहां से तू पैसा कमाएगा, सपना पूरा करेगा। आज भी मेरे पापा को नहीं पता कि मैं ये बाइक लिया हूं, आज भी नहीं पता, मैं बताया भी नहीं उनको अभी तक। फोटो भेजा हूं, पता नहीं देखे कि नहीं देखे, क्योंकि वो पहले से ही बिजनेस करते हैं, उनके पास में लाखों का इनकम पहले से है। मुझे हमेशा वो चैलेंज करते थे कि बेटा तो अपने लाइफ में ना अपने दम पे तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मैं भी ठाना था कि मैं आप ही का मैं बेटा हूँ, मैं भी ना जब बाप इतना कर सकता है तो बेटा कितना करेगा। आपको मैं दिखाऊंगा एक दिन करके, ऐसा मैं हमेशा सोचा करता था। और आज मैं मेरा ड्रीम बाइक मैं अचीव किया हूँ और बहुत जल्दी। बोला जाता है मैं सपना बना था, कई लोग ऐसे हमारे बहुत सारे भाई है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम थोड़ा सा परेशानी आता है, मम्मी का तबीयत खराब है तो त्योहार है ऐसा कुछ बोलते हैं। दोस्त मैं जब यहाँ आया था ना, पोला का जो त्योहार था, दो दिन बचा था, मैं यहाँ पर आया था। आने के बाद में मेरे जो अपलाइन है यहाँ पर बैठे हैं, उनको जब भी मैं नाम लूंगा आपको एक बार जोरदार तरीके से क्या करना है, स्वागत है, ठीक है, बता दिया जाए। Yes, sir!
तो भैया यहाँ के नागपुर जोन के जोनल हेड है, प्लस में स्टार ग्लोबल डायमंड लेवल पे काम करते हैं, मिस्टर किशन, मिस्टर संतोष किशन, दोस्तों से एक बार जोरदार ताली सर के लिए। जब मैं यहाँ आया था, मैं अकेला आया था और मुझे अपलाइन ने भरोसा दिया था कि जीतू एक दिन ना तेरा जो ड्रीम है ना मैं पूरा करके दूंगा, बस करते तुझे जो मैं बताते जाऊंगा उसके ऊपर आपको क्या करना है, काम करते जाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और लोग यहाँ क्या करते हैं बताए ज्यादा, अपना दिमाग लगा के बैठते हैं और अपना सपने को खो बैठते हैं। तो क्या आप क्या चाहते हो, अपलाइन का बातों को आपको सुनकर समझकर काम करके अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो कि ऐसे ही एक ही लेवल पे रहना चाहते हो? हाँ जी, आवाज नहीं, सपना पूरा करना चाहते हो? तो भैया आज आपके जो अपलाइन जो आपको बोला जा रहा है ना, आपको बढ़िया से सुनना, उसको लागू भी करना है, तब जाके आज जैसा मैं अपना सपना पूरा किया हूँ, आप भी भैया कुछ महीने के बाद में ना आपका जो ड्रीम बाइक है उसको आप पूरा कर लोगे हमारे। और यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर मेरे और बहुत सारे भाई काम करते हैं जिनको मैं भरोसा दिलाया कि भाई मेरे साथ ही मैं आज लाइफ चेक करने का जिम्मेदारी मेरा। आज ऐसे मेरे कुछ भाई हैं जो एचडी लेवल पे काम करते हैं, कुछ ईडी लेवल पे है, आज कोई पीडी है, ऐसे हम लोग आज 8-10 भाई लोग काम करते हैं। आज उनका भी मैं ड्रीम बना और बहुत जल्दी उनका भी मैं ड्रीम पूरा करवाने वाला हूँ बहुत जल्दी। क्या आप तैयार हो अपना ड्रीम पूरा करने के लिए? चलिए तो दोस्त मैं यहीं पर अपने वाणी को एंड अप करूंगा क्योंकि समय मेरे पास ज्यादा नहीं है और आप लोगों को तो सेंटर पे मिल जाएगा हमारा मीटिंग डिटेल भी। ठीक है, ठीक है जी, बहुत मजा आ रहा है, अचीवमेंट जो किया हूं ना आज ऐसा लग रहा है कि क्या बताऊं, क्योंकि बोला जाता है जब खुद का पैसे का अगर कुछ अचीवमेंट करते हो ना तो भाई बात ही कुछ अलग होता है। बोलते बाप का पैसे का तो भाई हर कोई बेटा एंजॉय करता है, लेकिन मैं मेरे बाप को गिफ्ट दूंगा, इसको 6 महीना चला के उनको दे दूंगा भाई, फिर मेरा दूसरा ड्रीम है KTM का ड्रीम है भाई मेरा। क्या है? KTM का ड्रीम है मेरा, 6 महीना चलाऊंगा गाड़ी को, उसके बाद में नहीं चलाऊंगा। मेरा पापा का सपना था पल्सर, लेकिन उससे भी महंगा बाइक दूंगा मैं उनको, पल्सर बोले थे, उनको राइडर दूंगा और बोलूंगा पापा मेरी तरफ से गिफ्ट है लीजिए। उसके बाद में तो अभी शुरुआत है, ये क्या ये शुरुआत है, इसके बाद में तो असली मंजिल बाकी है। अभी तो 4-व्हीलर आएगा, बंगला बनेगा, ऐसा बहुत सारा जो ड्रीम बना के मैं रखा हूँ, टारगेट बना के रखा हूँ, ऐसा बहुत सारा ड्रीम मैं पूरा करने वाला हूँ। बस मैं इतना ही बोलूंगा, आप भी बढ़िया से काम कीजिए, अपने अपलाइन की बातों को सुनिए समझिए, उसके ऊपर काम कीजिए, आपका भी सपना जरूर पूरा होगा। मैं इतना ही बोलूंगा, आप सभी के लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।